Good morning, dear students. In the previous video lecture of this chapter, we have read about the landforms, climate and vegetation, and life of people in the western desert. Dear students, let's study about the occupation of people living in western desert. The main occupation is animal rearing, such as sheep, goats, cattle and camels. वेस्टर्न डेजर्ट में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन काम क्या है? एनिमल रेयरिंग, लाइक शीप, गॉट्स, कैटल्स मीन काउस, बफेलोस एंड कैमल्स. पीपल आर मोस्टली ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड. पीपल लिविंग इन वेस्टर्न डेजर्ट, दे आर मोस्टली ऑन मूव मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड. These people are called nomads or banjaras. इन लोगों को क्या बोला जाता है? Nomads or banjaras. The people are skilled craftsmen and do stone work, embroidery, beadery work, tie and dye, jewelry, etc. यहाँ के लोग stone work करने में, पत्थर पे काम करने में, embroidery, beadery work, tie and dye, jewelry, ये सब काम करने में skilled हैं, means बहुत अच्छे से जानते हैं ये सब करना. Next is the sheep of the desert. Students, as you all know that the camel is the most important animal in this area, means in the desert area. It can live without water for many days and can walk easily on sand. ये बहुत टाइम तक बिना पानी के रह सकता है और easily walk कर सकता है sand पे. The people traveling on camels in groups form a caravan. लोग जो camels पे travel करते हैं वो caravan. बहुत सारे लोग इकट्ठे ही camels पे निकलते हैं और क्या form करते हैं? Caravan. The camel is popularly called the sheep of the desert. Camel को डेजर्ट का शिप कहा जाता है. इट इज़ यूज फॉर पुलिंग कार्ट्स, प्लोइंग द फील्ड्स एंड ऑल्सो एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन. किस किस काम में आता है कैमल? कार्ट्स को पुल करने में, फील्ड्स में हल चलाने में और एंड ऑल्सो एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन मीन्स बोझ उठाने में. इट्स मिल्क एंड मीट इज़ यूज एज फूड. इसका मिल्क और मीट एज अ फूड यूज़ किया जाता है. द स्किन इज़ यूज फॉर मेकिंग टेंट्स एंड हेयर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड कारपेट्स. कैमल की स्किन को टेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और हेयर को क्लॉथ्स और कारपेट बनाने के लिए. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. द नोमेड्स इन राजस्थान, दे आर मूविंग इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड. The water from the Rajasthan canal helps in growing wheat, maize, jowar, bajra, gram, cotton, vegetables, etc. Rajasthan canal से मिलने वाला पानी help करता है क्या grow करने में? Wheat, maize, jowar, bajra, gram, cotton and vegetables. The presence of minerals has encouraged quarrying and mining. मिनरल्स के प्रेजेंस होने की वजह से यहाँ पर स्टोन कटिंग, रॉक कटिंग का और माइनिंग का काम भी होता है. नेक्स्ट इज ड्रेसेस. ड्रेसेस ऑफ द पीपल लिविंग इन वेस्टर्न डेजर्ट्स. द पीपल लाइक टू वियर कलरफुल ड्रेसेस. यहाँ के लोग कलरफुल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं. द मैन लाइक टू वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन. टर्बन मीन्स पगड़ी. And the woman like to wear ghagra choli and orni to cover the head. Next is languages and festivals. The houses in the western desert have thick walls. Thick means moti. And flat roofs to keep them cool during the day and warm at night. यहाँ पे जो houses हैं western desert में उनकी walls, दीवारें thick होती हैं और रूफ, छत फ्लैट होती है. टू कीप देम कूल ड्यूरिंग द डे एंड वॉर्म एट नाइट, ताकि मकान दिन में ठंडे रह सकें और रात को गर्म.
Some houses have underground tanks for storing water. कुछ houses में underground tank बने हुए हैं जिसमें वो water store करते हैं. The people mostly speak Rajasthani and Hindi languages. यहाँ के लोग ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? राजस्थानी और हिंदी. The main festivals are तीज, घनघोर, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद. एंड द मेन फोक डांसेस आर घूमर, छड़ी, कच्ची घोड़ी एक्सेट्रा. द टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड कम टू राजस्थान एस्पेशली ड्यूरिंग द डेजर्ट फेस्टिवल्स. टूरिस्ट इंडिया के हर एक पार्ट से, वर्ल्ड के हर पार्ट से राजस्थान में घूमने आते हैं. एस्पेशली कौन से टाइम में? जब यहाँ पे डेजर्ट फेस्टिवल होता है. द स्टेट हैज़ सेवरल फोर्ट्स, पैलेसेस एंड टेम्पल्स विच आर वर्थ सीइंग. इस स्टेट में बहुत सारे फोर्ट्स, किले बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, टेम्पल्स हैं जो देखने लायक हैं. द पैलेस ऑन व्हील्स टेक्स द टूरिस्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. द पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी ट्रेन है जो टूरिस्ट को डिफरेंट पार्ट्स, स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स में घुमाती है. जयपुर द पिंक सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल सिटी कौन सी है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं. दिलवाड़ा जैन टेम्पल इन माउंट आबू इज़ फेमस फॉर इट्स मार्बल कार्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो माउंट आबू में है वो बहुत फेमस है. किस काम के लिए? मार्बल कार्विंग, पत्थर पे जो काम किया जाता है उस काम के लिए पूरे वर्ल्ड में दिलवाड़ा जैन टेम्पल बहुत फेमस है. डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. नेक्स्ट आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स एंड रिवीजन वर्कशीट ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.